बच्चों के बहुत सारे मसाइल होते हैं और उसमें एक बड़ा कॉमन मसला, एक बड़ा आम मसला ये होता है कि जैसे माँ को शिकायत होती है कि बच्चा जो है खाना सही से नहीं खा रहा है, या खाना खा रहा है तो उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है। और जब आप चेक करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि पेट में कीड़े हैं और उसमें समझ में नहीं आता कि, तो उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, जो वर्म्स होते हैं उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसके डिफरेंट रीज़न होते हैं, लेकिन बच्चा जो है उसकी वजह से सेहत नहीं पकड़ सकता है और वीक रहता है, उसका वज़न नहीं बढ़ता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, कमज़ोर रहता है, उसके पेट में बहुत दर्द होता है, अक्सर वो पेट के दर्द की शिकायत करता है और उसके जो है ना इचिंग हो रही होती है, तमाम कंडीशंस होती हैं जिनके जिन बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं और रात सोते वक्त उनके मुँह से थूक निकलता है और वो बहुत बेचैन रहते हैं। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है, उसको खाने पीने में वो तमाम चीज़ें देने, सिर्फ मीठा नहीं देना, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो उसका आप ख्याल रखें, थोड़ी सी कड़वाहट जैसे करेला हो गया या नीम का पानी हो गया वो ज़रूर पिलाना चाहिए, और जिनके आपको पता चल जाए पेट में कीड़े हैं तो आपने सिर्फ आधा चाय का चमचा कलौंजी लेनी है, एक कप पानी लेंगे उसमें आधा चाय का चमचा कलौंजी डाल के उसको पकाएंगे, जब पानी आधा रह जाएगा तो उसको छान लेंगे, ये पानी आधा कप कलौंजी का जो पानी है रात को सोते वक्त बच्चे को आपने पिलाना है और इसको रोज़ाना आपने करना है, तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं, किसी भी तरह के कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पेट जो है साफ़ हो जाता है और उसके बाद बच्चा जो है जो भी खाता है पीता है उसको लगता है और उसकी सेहत बनना शुरू हो जाती है।